दोस्तों जियो नंबर पर फ्री में जियो कॉलर टून कैसे सेट करें, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी अपने फोन में जियो का सिम कार्ड यूज करते हो और आप अपने फोन में अभी तक जियो कॉलर टून सेट नहीं किया है, तो भाई इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बिल्कुल फ्री में अपने मनपसंद गाने का कॉलर टून कैसे सेट कर सकते हो, ताकि अगर आपको कोई भी कॉल करेगा तो जो भी गाना आप सेट करोगे अपने जियो कॉलर टून में, वो गाना उसे सुनाई देगा। जो भी आपका मनपसंद गाना है वो आप अपने जियो कॉलर टून में सेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको एक रुपया भी परचेज नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा वैसे आपको अपने फोन के अंदर फॉलो करना होगा, उसके बाद आप अपने किसी भी जियो नंबर पर कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हो। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी जियो नंबर पर कॉलर ट्यून कैसे सेट कर सकते हो, ताकि अगर आपको कोई भी कॉल करे तो आपका जो मनपसंद गाना है ना वो उसे सुनाई दे, जो भी आपको कॉल करेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर मैसेज को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस आइकन दिखेगा, डायरेक्टली आपको इस प्लस के आइकन पर टैप करना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक नंबर डायल करना है। जो यहाँ पर मैं नंबर डायल करूंगा वो नंबर आपको भी अपने फोन के अंदर डायल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर कौन सा है थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर डायरेक्टली आपको टैप करना है इस पर, और यहाँ पर आपको डायल करना है 56789। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो 56789 डायल करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे में आपको टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको गाना अपना सेट करना है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जो भी आपको गाना सेट करना है डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर लाना या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना। ठीक है, और जो रियल नेम है ना वही यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक गाना सेट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा पिया आईना, जो कि ये आशिकी 2 का गाना है। जो भी आप अपना गाना सेट करना चाहते हो उसका यहाँ पर आप नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पर जो सेंड का ऑप्शन है डायरेक्टली आपको इस सेंड पे टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैसेज रिसीव हो चुका है, और यहाँ पर आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा जो कि पिया आईना का जो लिस्ट है वो, यहाँ पर कुछ अलग अलग गाने होते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल मेरा गाना है वो सबसे ऊपर में है 1 नंबर पर, और यहाँ पर 2, 3, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। और जो भी गाना पे नंबर सेट होगा, जैसे कि मुझे 1 नंबर का गाना सेट करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको यहाँ से मैसेज करना होगा 1। ठीक है, अगर दूसरा नंबर वाला गाना होगा तो यहाँ पर 2 सेंड करना होगा, अगर थर्ड वाला गाना होगा तो यहाँ पर 3 डायल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट गाना है, उसके बाद हम इसे यहाँ से सेंड करते हैं। ठीक है, सेंड करने के बाद यहाँ पर आपको एक और मैसेज देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑल कॉलर के नाम से, क्योंकि अगर आप कोई भी गाना सेट करते हो तो जो भी अगर आपको कॉल करेगा उसको सभी को गाना सुनाई देना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली आपको 1 टैप करना है और यहाँ से इसे सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड करने के बाद यहाँ पर रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक मैसेज आया, डायरेक्टली हम इस पर टैप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जियो की तरफ से एक मैसेज आया है, डियर कस्टमर यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ जियो कॉलर ट्यून। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि जो मेरा जियो कॉलर ट्यून में जो मैंने रिक्वेस्ट किया था वो यहाँ पर एक्टिवेशन करने के लिए यहाँ पर आपको एक रिप्लाई करना होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर वाई रिप्लाई करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो चार्जेज यहाँ पर 0 है और वैलिडिटी यहाँ पर 30 डेज है, यानी कि मुझे यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं देना है और जो मेरा कॉलर ट्यून है वो फ्री में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर आपको मैसेज करना है वाई, जो कि यहाँ पर देख सकते हो वाई मैसेज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जियो कॉलर ट्यून से एक और मैसेज आया, और यहाँ पर मेरा नंबर यहाँ पर देख सकते हो, जियो ट्यून सॉन्ग हैंड बीन दिस चेंज फॉर जियो नंबर, यानी कि जो मेरा जियो नंबर पर जो कॉलर ट्यून है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, जो यहाँ पर मैंने अभी सेट किया, और इसका चार्जेज जो ये बिल्कुल 0 है, यहाँ पर मुझे 1 रुपया भी देना नहीं है
और अगर इसे आपको स्टॉप करना है यानी कि डीएक्टिवेट करना होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको मैसेज करना होगा स्टॉप, यहाँ पर आपको स्टॉप मैसेज कर और यहाँ से सेंड करना होगा, तब जाकर जो आपका ये जियो कॉलर ट्यून है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और जो आपका जो नॉर्मल जो फोन आता था वैसा ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी जियो नंबर पर फ्री में कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक रुपया भी परचेज नहीं करना है, ताकि अगर आपको कोई भी कॉल करे तो आपका जो मनपसंद गाना है ना वो अगले को सुनाई दे, जो भी आपके पास इनकमिंग कॉल आएगा और जो भी कॉल करेगा उसको आपका मनपसंद गाना सुनाई देगा। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी जियो नंबर पर कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।